इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि आसनसोल के मीरा होटल के मालिक को लगातार 4 गोली राउंड गोली मार दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि आसनसोल के मीरा होटल में मालिक बैठकर बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक मुंह ढककर 3 लोगों ने आकर लगातार तड़ातड़ गोली फायरिंग कर दी। आपको बता दें कि 4 गोली फायरिंग की गई है, जिसमें 3 गोली उन्हें लगी है। हालांकि उन्हें अभी दुर्गापुर के एक सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है। घटना होने के बाद पुलिस के अधिकारी ने आकर लगातार जांच पड़ताल कर रही है। लगातार सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है कि अपराधी ने आकर लगातार मालिक के सिर पर और छाती पर गोली लगी है। ये सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है। देख सकते हैं कि किस तरह से घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर जांच कर रही है कि आखिर क्या मामला था जिसके कारण वो गोली चली। आइए आपको सुनवाते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ने इस विषय में क्या कुछ जानकारी दी, क्या कुछ उन्होंने देखा। মালিক কোথায় ছিল? মালিক এখানে সবাই বসে মালিক ছিল। হ্যাঁ, ওরা কি গুলি চালিয়ে দিল খালি? হ্যাঁ, কিছু কথা বলে গুলি চালিয়ে কিছু বলেনি। আপনি আপনি কি ভেবেছিলেন যে ওরা? আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। কজন এসেছিল? দুজন ছিল। কারণ গুলি চালিয়েছে তা বলতে পারছি না, কিন্তু ঠাই 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 চারটে লোক কটা আলো ছিল? হ্যাঁ, চারটে হয়েছে। আচ্ছা, কোথায় লেগেছে মালিক? লেগেছে স্যার মনে হয়। কতটা আতঙ্কিত আপনি, ভয় লাগছে কতটা? স্যার আমাকে এখানে সাড়িয়ে দিয়েছে। আপনাকে সাড়িয়ে দিয়েছে? হ্যাঁ। আপনার নাম? আমার নাম কালীপুর বাবু।